हिंदू जन जागृति समिति के तत्वाधान में सेक्टर 29 स्थित कालीबाड़ी मंदिर में हिंदू धर्म जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महाराष्ट्र से आए संस्था के राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने संस्था के उद्देश्य और बीवीएम न्यूज के संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों पर क्या कहा, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देश में 50 से ऊपर इस्लामी देश है जो अभी ग्लोबलाइजेशन के बाद संगठित हुए है और भारत में 50 देशों से पैसा आ रहा है। 150 से ज़्यादा क्रिश्चियन देश है और जो ग्लोबलाइजेशन के बाद 150 देशों से हमारे देश में पैसा भरा जा रहा है और भारतीय राजनीति ने भारतीय हिंदुओं को जात पात भाषा प्रांत अंग्रेज़ों ने डिवाइड रूल का जो पॉलिसी रखा था वही बाद में ये सेक्युलर वादी जो लोग हैं उसको जारी करके हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हिंदुओं पर संकट है, अभी हिंदुत्व के अस्तित्व पर संकट है। क्रिश्चियनिटी कहना चाहती है कि हम दुनिया को ख्रिस्त में बनाएंगे और जो वो भारत में आया था तो वो कहते हैं कि एशिया 2000 के बाद ख्रिस्त में बनाना है और वहाँ ISIS है, अलकायदा है और अरब देश है जो दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना चाहती है। ऐसे इसमें हिंदू भयभीत हो रहा है, हिंदुत्व के अस्तित्व को भय निर्माण हो रहा है। इस दृष्टि से हम हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं।